हेलो दोस्तों, बॉलीवुड शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है टेल्स ऑफ टेल्स। ये राजा राजकुमारी के गाने की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा था, तभी अचानक उसे एक कीड़ा उसके हाथ पर दिखाई देता है। राजा उसे मारना चाहता था, लेकिन कीड़ा राजा के दिमाग को पढ़ रहा था और वो राजा के आदेश के अनुसार लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर कूद रहा था। छोटा कीड़ा राजकुमारी की परफॉर्मेंस से ज्यादा इंटरेस्टिंग था। परफॉर्मेंस के बाद राजा हॉल छोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था, जबकि राजकुमारी ने महसूस किया कि राजा उसे इग्नोर कर रहा है। राजा कीड़े को अपने कमरे में ले गया और अपनी उंगली काट दी और कीड़े को अपना खून पीने दिया। फिर वो एक सोने का डिब्बा लाया जिसमें सॉफ्ट कुशन था और उसमें उसने कीड़े को सोने के लिए छोड़ दिया। उसने एक मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और बड़ी दिलचस्पी से कीड़े को देखने लगा। वो बहुत खुश था और कीड़े पर पूरी तरह से मोहित हो गया था। कुछ दिनों बाद कीड़ा मूंगफली के दाने के साइज जितना बड़ा हो गया। कीड़े को खुश करने के लिए राजा पूरे दिन घर में रहता और उसने कीड़े को खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने बनाए। राजा अपनी बेटी से ज्यादा कीड़े की देखभाल करने लगा। राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई है और एक दिन राजकुमारी रात के खाने के समय राजा को बताती है कि वो शादी करना चाहती है। राजा राजकुमारी से पूछता है कि उसे किस तरह का हस्बैंड चाहिए, जिसके जवाब में राजकुमारी कहती है कि उसे एक साहसी, मजबूत और सुंदर दिखने वाला पति चाहिए। राजा बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर देता है, लेकिन वो अपनी बेटी से इतनी जल्दी दूर नहीं होना चाहता था। उसी वक्त राजकुमारी कहती है कि मीट अच्छे से पका नहीं है, जिससे राजा को अपने कीड़े की याद आती है। वो एक बर्तन में मीट लेकर अपने कमरे में चला जाता है और धीरे से कीड़े को पुकारता है। हम देखते हैं कि कुछ ही हफ्तों बाद कीड़ा पहले से 100 गुना बड़ा हो गया है। राजा उसे मीट खिलाता है और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, इस उम्मीद में कि कीड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन एक रात राजा इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाता है और पता चलता है कि कीड़ा बीमार है। वो डॉक्टर चौंक जाता है जब कमरे में एंटर करता है, क्योंकि उसने कभी इतना बड़ा कीड़ा नहीं देखा था। कुछ जांच के बाद डॉक्टर राजा को बताता है कि कीड़े को कैंसर है। राजा कीड़े के मरने पर बहुत दुखी होता है और वो डॉक्टर को इस बात को गुप्त रखने का आदेश देता है। अगली सुबह राजा राजकुमारी से कहता है कि उसने पहले से ही उसके लिए एक पति चुनने का तरीका सोच लिया है। कुछ दिनों बाद राजा एक विशेष जानवर की खाल बाहर लटका देता है और कहता है कि जो भी बता देगा कि ये खाल किस जानवर की है, उससे राजकुमारी की शादी हो जाएगी। पहला आदमी एक किसान है, वो खाल को थोड़ी देर के लिए रगड़ता है और कहता है कि ये एक सुअर की खाल है। दूसरा आदमी एक व्यापारी है, वो इसे बहुत ध्यान से देखता है और कहता है कि ये एक पेड़ की छाल है। वो सभी गलत जवाब देते हैं, जिससे राजा बहुत खुश होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसे छोड़कर चली जाए। तभी एक अच्छा सा सुंदर सा दिखने वाला योद्धा आता है, जो राजकुमारी को पहली नजर में पसंद आ जाता है। वो राजा से इस तरह के टेस्ट को रोकने के लिए कहती है और पूछती है कि ये किस जानवर की खाल है। राजा राजकुमारी को उत्तर देता है। राजकुमारी अपने पिता का जवाब सुनकर परेशान हो जाती है, जब उसे ये पता चलता है कि ये एक कीड़े की खाल है और यही कारण था कि इसका कोई सही जवाब नहीं दे पाया था। योद्धा भी गलत साबित होता है, उसे लगता है कि ये एक विशाल समुद्री गाय है। अचानक एक बदसूरत सा दिखने वाला राक्षस वहां आता है, जिसको गार्ड्स रोक लेते हैं, पर राजा निष्पक्षता दिखाते हुए उसे टेस्ट में भाग लेने की परमिशन दे देता है, क्योंकि राजा को विश्वास है कि ये बेवकूफ सा दिखने वाला राक्षस सही उत्तर नहीं दे पाएगा। राक्षस खाल के पास जाता है, उसे ध्यान से सूंघता है और फिर तुरंत सही उत्तर दे देता है। राजा शॉक्ड है और राजकुमारी इतनी डरी हुई है कि आंसू भरी आंखें लिए हॉल से बाहर भागती है और अपने आप को खत्म करने की धमकी देते हुए वो महल के टॉप पर पहुंच जाती है। लेकिन राजा का कहना है कि एक राजा के रूप में वो अपनी बात से पलट नहीं सकता। अपने पिता की इज्जत रखने के लिए राजकुमारी राजा की बात मान लेती है और रोते हुए महल से बाहर निकलती है, जहां वो राक्षस से मिलती है। वो राजकुमारी का हाथ थामकर अपने घर की दिशा में निकल जाता है। कई घंटों तक चलने के बाद नाजुक राजकुमारी थककर जमीन पर गिर जाती है। राक्षस को राजकुमारी की हालत पर दया आ जाती है और वो राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाकर पहाड़ चढ़ने लगता है। वो दोनों पहाड़ों की चोटी पर एक गुफा में पहुंचते हैं, जो राक्षस का घर है। राजकुमारी वहां जानवरों की हड्डियां देखकर डर जाती है और वहां से भागना चाहती है, लेकिन वो जानती है ये पॉसिबल नहीं है। अब वो बस बैठकर महल की ओर देखती रहती है। राजकुमारी वहां से भागने की उम्मीद छोड़ देती है, लेकिन एक दिन राक्षस शिकार करने के लिए बाहर जाता है। तभी राजकुमारी को एक औरत दिखाई देती है, जो पहाड़ के दूसरी तरफ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही है। राजकुमारी उस औरत से मदद मांगती है। वो औरत उसे बचाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन वो अकेला ऐसा नहीं कर सकती।
उसे अपने पति और बेटों की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए दोनों अगले दिन इसी जगह मिलने का निश्चय करते हैं। राजकुमारी इतनी खुश है कि वो पूरी रात जागती रहती है। अगली सुबह जब राक्षस ध्यान नहीं दे रहा होता है, राजकुमारी छुपकर गुफा के बाहर निकल जाती है। राजकुमारी उस औरत के बेटे को देखती है। पता चलता है कि ये परिवार सर्कस में काम करता है और ये लड़का रस्सी पर चलता है। वो राजकुमारी को अपने कंधे पर उठाता है और पहले से लगाई हुई रस्सी पर चलता है और धीरे धीरे पहाड़ की दूसरी तरफ बढ़ता है। लेकिन उसी वक्त राक्षस को अजीब सी गंध आती है और वो गुफा के बाहर निकलता है। जैसे ही लड़का और राजकुमारी दूसरी तरफ पहुँचने वाले होते हैं, राक्षस उन्हें देख लेता है। राक्षस रस्सी पर लटक कर उनको पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उनके पास पहुंचने वाला होता है, वो रस्सी काट देते हैं। जब सर्कस फैमिली राजकुमारी को महल की दिशा में ले जा रहे होते हैं, तभी अचानक राक्षस वहां आ जाता है। पूरी फैमिली उससे लड़ती है, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर है और वो तीन लोगों को मार देता है। रस्सी पर चलने वाला लड़का अपनी माँ और राजकुमारी के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन राक्षस उनका पीछा कर रहा है और उनको पकड़ने वाला ही है। वो तीनों एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। लड़का आग जलाकर राक्षस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस लड़के और उसकी माँ को मार डालता है। डरी हुई राजकुमारी भागती है, लेकिन एक डेड एंड पर पहुंच जाती है। वहां से उसे आगे भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। राक्षस उसको पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता क्योंकि राक्षस को उससे प्यार हो गया था। राजकुमारी भी राक्षस से प्यार का नाटक करती है और मौका पाकर राक्षस को मार देती है। महल में राजा कीड़े और अपनी बेटी से दूर होकर बहुत दुखी और बीमार है। तभी उसको बताया जाता है कि उसकी बेटी वापस आ गई है। राजा राजकुमारी से मिलने जाता है और उसकी ये हालत देखकर बड़ा दुखी होता है। अगले दिन राजा अपना राज्य राजकुमारी को सौंप देता है और पूरा राज्य सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ जमा हो जाता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।